साथियों नमस्कार, आप सभी को अक्षय तृतीया भगवान परशुराम जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज वर्ल्ड अस्थमा डे भी है। प्रत्येक वर्ष मई माह के प्रथम मंगलवार को विश्व भर में वर्ल्ड अस्थमा डे मनाया जाता है। वर्ल्ड अस्थमा डे मनाने का मुख्य उद्देश्य अस्थमा से संबंधित जानकारी जन जन तक पहुंचाना है और इस रोग के बारे में जनमानस में जागरूकता बढ़ाना है। इस वर्ष मनाए जाने वाले वर्ल्ड अस्थमा डे की थीम है क्लोजिंग गैप्स इन अस्थमा केयर। साथियों, अस्थमा श्वास का वो रोग है जो कि बढ़ते हुए वायु प्रदूषण के कारण विश्व भर में बढ़ता जा रहा है। यदि हम भारत की बात करें तो भारत में 15 से 20 करोड़ व्यक्ति अस्थमा से पीड़ित हैं। अस्थमा को रोकने के लिए, अस्थमा पीड़ित व्यक्तियों की सहायता करने के लिए हमें पर्यावरण को बचाना होगा। आइए हम वर्ल्ड अस्थमा डे के अवसर पर संकल्प लें कि हम पर्यावरण की रक्षा करेंगे, अपने जन्म दिवस के अवसर पर, अपने प्रियजनों की पुण्यतिथि के अवसर पर हम पेड़ लगाएंगे। हम एक पेड़ लगाएंगे और उस पेड़ की सुरक्षा, खाद पानी देने का संकल्प लेंगे। साथियों, सामूहिक प्रयासों से हम वायु प्रदूषण को कम कर सकते हैं। साइकिलिंग का प्रयोग करें, वाहनों का उपयोग कम से कम करने का प्रयास लें, संकल्प लें, तो हम इन छोटे छोटे प्रयासों से वायु प्रदूषण को कम करने में अपना छोटा सा योगदान दे सकते हैं। साथियों, आप सभी को पुनश्च अक्षय तृतीया भगवान परशुराम जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं और ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। धन्यवाद। नमस्कार। डॉक्टर सुरेश पांडे, कोटा।